रिवायात में है कि जब अहले बैत का लुटा हुआ काफिला जब असीर होकर शाम के दरबार में पहुंचा और हाकिम शाम ने किसी बात पर नाराज़ होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोड़े मारने का हुक्म दिया, जब इमाम सज्जाद की पुश्त को कोड़ों से ज़ख्मी किया जा रहा था तो बीबी उम्मे कुलसूम से देखा ना गया। आपने बंधे हुए हाथों को बुलंद करके अर्ज़ की, खुदावंदा मैं तेरे हबीब की नवासी हूँ, मैं अली व फ़ातिमा की बेटी कुलसूम हूँ, मेरे तमाम सहारे टूट चुके हैं, सिर्फ एक बीमार भतीजे का सहारा बाकी है और अब इसकी जान भी ख़तरे में है। ऐ खुदा इस कोड़े मारने वाले के हाथों को शल कर दे ताकि मेरे भतीजे की पुश्त कोड़ों से बच जाए। इधर आपने बद्दुआ की, उधर इसके हाथ शल हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा आपने वादा किया था कि आप सब्र करेंगी, फूफी अम्मा सब्र कीजिए। इमाम सज्जाद की इस आवाज़ को कोड़े मारने वाले शामी और दरबारियों ने सुना तो वो समझे कि ये कैदी कोड़े खाने में खुश है। चुनाचा इस शामी ने अपने दूसरे हाथ से कोड़े मारना शुरू किए। बीबी उम्मे कुलसूम और बेताब हो गई और रोकर पुकारी, खुदावंदा मैं उसकी नवासी हूँ जिसने चांद के दो टुकड़े किए थे, मैं इसकी बेटी हूँ जिसने डूबे हुए सूरज को लौटाया था। खुदावंदा मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि इसका दूसरा हाथ भी शल कर दे। इस बद्दुआ के फौरन बाद इस शामी का दूसरा हाथ भी शल हो गया। ये देखकर वो कहने लगा, नाउज बिल्ला ये तो जादूगरों का ख़ानदान है, और गुस्से में आकर इसने दूसरे आदमी को हुक्म दिया, इस बद्दुआ करने वाली पर कोड़े बरसाओ। हुक्म मिलते ही आप सलामुल्लाह अलैहा पर कोड़े बरसने लगे, मगर इस साबरा बीबी ने सर नहीं उठाया। फरमाती थी, मुझे खुद कोड़े खाना गवारा है मगर सज्जाद की पुश्त पर कोड़े पड़ना बर्दाश्त नहीं। कुछ दरबारी कहने लगे, ऐ बीबी अब इस कोड़े मारने वाले के हाथ क्यों शल नहीं होते? ये सुनकर आपने फिर बद्दुआ की तो इस मारने वाले के हाथ भी शल हो गए। अब दरबारी समझ गए ये कोई जादूगर नहीं बल्कि कुछ अजीम हस्तियां हैं। जनाब ज़ैनब ने रोकर पुकारा, कुलसूम मेरी माँ जाई, मेरी बहन सब्र से काम लो, अगर तुम्हारे सहारे टूट गए हैं तो मेरे भी दोनों बाजू कट गए हैं, सब्र से काम लो और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ। बीबी उम्मे कुलसूम ने आसमान की तरफ नज़र की और रोकर फरमाया, खुदावंदा मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ।